शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ पवित्रा, पवित्रा कल तक एक गलत लड़की थी माँ, लेकिन आज वो वैसी नहीं है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता माँ। अब ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ, आप नहीं मानोगी, इसीलिए शादी होने तक इस राज को राजी रहने दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो माँ। मेरी शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी है ना? शादी इतने सादे तरीके से क्यों, यही पूछ रही हो ना? लेकिन रिसेप्शन तो ग्रैंड तरीके से होगा। माँ जी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? वो कुछ नहीं, मौन व्रत है ना, शादी होने तक वो नहीं बोलेगी। तोड़ने के बाद आप सबसे पहले मुझसे बात करेंगे ना? पवित्रा, पलक झपकते ही तुम्हारी और मेरी जिंदगी किस तरह से बदल गई देखा तुमने? अपने मतलब के लिए तुमने और अपने मतलब के लिए मैंने क्या सही गेम खेला है ना? उस दिन तेरी पीठ पर अपने दुश्मन को उड़ाने का स्केच बनाकर और उसे उड़ाने के बाद अपने गले का हार मैंने तुझे दिया था। तब तूने कहा था कि मैं तुम्हारी रानी हूँ और आज मेरे घर की महारानी बन के आ गई। बाबूजी, बाप रे, ये सुनकर कान में शीशा पिघल रहा है। पवित्रा, लड़कियों को हद पार नहीं करनी चाहिए, और अगर पार कर भी ली तो तेरी तरह नहीं। अब तक तूने जो कुछ भी किया सब ठीक था, लेकिन मुझे यार नहीं बनाना चाहिए था। बाबूजी, आप कितने ग्रेट हैं। यस, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसा हर मर्द ग्रेट है। फ्रेंड्स, ये मैरिज पार्टी नहीं है और ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और पब्लिसिटी स्टंट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे मेरा इकलौता बेटा है जिसके मैंने सादे तरीके से अभी हाल ही में शादी करवाई है। मैं चाहता तो करोड़ों रुपए उड़ाकर बहुत ही शानदार तरीके से उसकी शादी करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, पैसे वेस्ट होते हैं। सर, ये मैरिज पार्टी तो है नहीं और ये प्रेस मीटिंग भी नहीं लग रही, तो फिर ये मीटिंग बुलाई क्यों? आप बताता हूँ, ये मेरी अर्धांगिनी है, हमारी शादी हुए 25 साल हो गए। आज एक ऐसा राज आपको बताना है जो आप सब नहीं जानते। ये न बोल सकती है न सुन सकती। आप जानते हैं इन्हें मैंने जीवन साथी क्यों बनाया? जो सोच, जो प्यार मैं इनके लिए अपने दिल में रखता हूं, वो प्यार इन्हें औरों से कभी नहीं मिल सकता। जिन भावनाओं की इज्जत करते हुए मैंने इनके हाथों को थामा, मैं चाहता हूं कि वही भावनाएं मेरे बेटे में भी। मैं एक गरीब लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा दो कदम आगे बढ़कर एक धंधा करने वाली को अपना जीवन साथी बना। पवित्रा अब मेरी बहू है, लेकिन आप जानते हैं इसकी एक रात की कीमत कितनी है? 1 लाख है सर। हाँ, 1 लाख, 1 लाख वेरी कॉस्टली। लेकिन इसके बावजूद आप सब जानते हैं कि मेरे लड़के ने उससे शादी क्यों की? उससे लाखों कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज से गंदगी हटाने।
आज कहीं किसी का रेप हुआ है क्या? नहीं, उस एमएलए ने पवित्रा को अपनी बहू बनाया है। सामने वाला बिल्कुल सही प्लान बना रहा है खेल का। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेडी सिंपथी को जीतने के लिए वो चालबाज ने इस तरह का प्लान बनाया है, गेम खेल रहा है वो। ये आपको कैसे पता स्वामी जी? कैसे पता है, मानता हूँ वो राजनीति का बड़ा नाम है, लेकिन मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये क्या है बेटा? मेरा राज सरेआम खुल गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा। जब आपका ये हाल है, पता चलने पर इन पर क्या गुजरेगी। सर सर, भोलू को मेम साहब मार रही हैं। मारने वाला काम तो मैंने ही किया है। पॉलिटिशियन से बढ़कर दिमाग वाले इस दुनिया में और कोई नहीं है। भाग्य में जो लिखा होता है उसे हम मिटाकर कुछ और ही लिखते हैं। जैसा कमीना मैंने कभी नहीं देखा। खून बहुत उबाल मार रहा है, जरा स्टेपनी के पास चलकर ठंडा होकर आते। ओके ओके। सुदर्शन तो बहुत कमीना किस्म का इंसान निकला। पवित्रा के पूरे मीडिया के सामने बेइज्जती कर दी। जैसी कैसी भी हो, पवित्रा की बेइज्जती हुई है। उसे फिर से मैदान में आना चाहिए और वो आएगी पूरी हिम्मत के साथ। एक्सक्यूज मी सर। ए, ये यहाँ क्यों आया है यार? क्या तुम इसे जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। रोटी है तो दाल नहीं, दाल है तो नमक नहीं, यही कहकर मांगता फिरता है। आज तो ये वकील का ड्रेस पहनकर यहाँ आया है। नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक है, बोलो क्यों आया हो? आपसे मिलने आया हूँ सर। क्यों, हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए आए हो या कोई नई मुसीबत खड़ी करने आए हो? मेरे बुरे दिन चले गए सर। हाँ आज मैं काम की बात करने आया हूँ। वो काम की बात क्या है वो तो बताओ। नंदिनी नाम की लड़की से प्यार करता था, रामू नाम का लड़का उसे लेकर भाग गया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दर्द सहा नहीं जा रहा। सुना पवित्रा जख्मों को मरहम लगाती है, इसीलिए मैं ढूंढते हुए आया। ये मेरा बायोडेटा है सर, इसे देख कर आप किसी तरह पवित्रा से मिला दीजिए। बायोडेटा किसे चाहिए आजकल, हमें ये नहीं रोकना चाहिए भाई। बिल्कुल, देख कर लग रहा तुम बहुत कड़के हो। हम भी पवित्रा की तरह इस भारत देश के एक सच्चे नागरिक हैं। एक आदमी का एक औरत के साथ सांसारिक जीवन जीने वाला सिद्धांत हमारे देश का है। ये कैसा सिद्धांत? हमारा देश हमारा परिवार बोल के पता नहीं क्या बोली जा रहा। सर की बाल आगे आते इसके तेवर तो पूरी तरह बदल गए। हाँ यार, जिसका दिल टूट चुका वही जानता है दर्द क्या। और गलत काम करने वालों के जुबान पर एक ही बात रहती है, वो यही है। अरे यार एक्सरे, यही सवाल पूछ रहा यही जवाब दे रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मुझे तो पता, तू क्या करे। जो जहाँ है वही फेंकता रहता है, उसकी वजह से तुम जैसे नालायक लोग हो। इंसान को जहरीला बना देती है, खूबसूरत लड़की के रूप में जन्मी अपना गिन। अरे ये तो किसी फिल्म का डायलॉग लग रहा है भाई। एक फिल्म का डायलॉग दूसरे फिल्म में सुनते हो तो तुम्हें गुस्सा आता है ना? तो फिर एक लड़की एक से प्यार करके दूसरे के साथ भागेगी तो गुस्सा आएगा ना? अरे यार ये तो बड़े गुस्से में नजर आ रहा है, क्या करें अब? देखो मिस्टर संदीप, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। मैं कैसे अपनी टांग अड़ाऊंगा, मेरी खोपड़ी सरकती नहीं है क्या? एक नंबर का कमीना तू। यहाँ लड़ क्यों रहा है तू, चल भाग यहाँ से। कौन लड़ रहा है,
गरीब लड़की के नाम से इस तरह से कमा कर खाते हो, ये गलत नहीं है क्या? देखो भाई, इसमें गलत बात क्या है? हम तो 10x10 के रूम में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तुम तो पूरे एरिया में बवाल करते रहते हो। मुझे पागल समझना है तो पागल समझो। आज तक मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक पाया। खाना ठीक से नहीं बना था तो मैंने एक कटेटुआ दबा लिया था। उसका नाम था कुम्मी स्वामी। उसके सिर पर फिर मैंने लोटे से वार किया। तुम्हारे जैसे धोखेबाज मैंने बहुत देखे हैं। अब तुम लोगों की मौत कैसे आएगी ये तुम जानते हो। बताओ, जानते हो? Hey, stop it! I say you get out, man! चुम्बा दिखाऊंगा, बीच से सिलाइयां निकाल कर नाभि के बीच में घोप कर तुम लोगों की अतड़ियों को बाहर निकाल कर नेट की तरह उसे हाथ में बटोर कर उसके बाद तुम्हारा सीना चीर कर उससे कलेजा निकाल कर। ऐसे तो कलेजे की बात है यार। हाँ, वैसा ही है तुम लोगों का अंत। देखो भाई, तुम हदसे ज्यादा बोल गए, इसीलिए ये दोनों बेचारे डर गए। ये लोग ही पवित्रा से मिलाने में हेल्प करेंगे, है ना सर? हेलो ब्रदर, आपको पवित्रा से मिलने से पहले किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ, I'm all right। मुझे पवित्रा चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। पैसे की बात करोगे तो परलोक भेज दूंगा। ये तो बहुत अजीब वगैरह कर रहा है। किसी को तकलीफ मत दो। तुम दोनों सबको परेशान कर रहे हो। मुझे पवित्रा से मिलना है। उससे पवित्रा से कभी मत मिलाना। ये चाहिए बोल रहा है कि नहीं चाहिए बोल रहा है? hey, कोई एक बात पे टिके रहो तुम। अरे क्या चाहिए बोल रहा? मैं पैसे दे रहा हूँ ना, किसी तरह इंतजाम करो। इंतजाम किया तो सीधा कमरे में काट दूंगा। मुझे चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हेलो पुलिस, क्या एक पागल आ गया और वो हमें परेशान कर रहा है? जल्दी से आ जाइए। हाँ एड्रेस। हाँ एक मिनट। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? ए भोलू, मैं जानता हूं तेरी घरवाली तुझसे अपसेट होगी। उधर तेरी मां मुंह फुलाकर बैठी है। बेटा, मुझे लगता है कि तुझे पवित्रा के साथ हनीमून पर चले जाना चाहिए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा। मां, हम लोग 4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए मां। बिल्कुल सही कहा, मरने के लिए ही जा रहे हैं। चलो पवित्रा। Come on.